दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम हो ही चुका होगा कि भारत में भी कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है और अब तक यानी कि मौजूदा हालात में अगर कहें तो 43 यानी कि 43 पॉजिटिव मरीज दिल्ली में भर्ती कराए जा चुके हैं। लेकिन ये तो वो हैं जिन्हें दुनिया जान रही है। भारत में 43 पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुँची है, लेकिन ऐसे कितने बहुत से सारे होंगे कि जिन्हें अब तक जांचा ही नहीं जा सका है, या इतने बहुत से होंगे जो अभी तक अपनी चेकअप ही नहीं करवाए हैं। आपके घर, गांव, मोहल्ले में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास कोरोना वायरस पहुंच चुका होगा और उन्हें खुद को ही मालूम ना हुआ होगा। तो बस आप अपनी धड़कने संभाल कर बैठिए, जो कुछ इस वीडियो में होने वाला है आपको बेहद चौंका कर रख देगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताई जाएगी कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में होने वाली क्या है और इसके प्रति आपका सकारात्मक कदम क्या उठाया जाना संभव हो सकता है या आप कर क्या रहे हो। अगर आप जो कर रहे हो क्या वह सही है, इन सब चीज़ों को आज इस वीडियो में बात की जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग, आप देख रहे हो जोशी न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस जो कि चाइना के वुहान शहर से निकलकर आया है पूरी दुनिया के सामने, यहाँ पर दोस्त जो मांस की मंडियाँ लगती है यानी जहाँ पर मांस को बेचा जाता है वहीं से कोरोना वायरस का जन्म हुआ। लोग यही मानते हैं कि दोस्त कि कोरोना वायरस का जन्म चमगादड़ से सांपों में गया और सांपों के माध्यम से इंसानों तक चला गया। वुहान में ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जहां पर समूचे यानी कि साबुत चमगादड़ को ही खाया जाता है। वहां चमगादड़ के सूप को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया भी जाता है। तो दोस्त, आज हम ये आपको ये बता रहे हैं कि इंडिया में खैर ये सब तो होता नहीं है। कहीं कहीं आप लोग ये सुन रहे होंगे कि जो मुर्गियां हैं यानी कि चिकन है उन्हें खाने में भी कोरोना वायरस पाया जा रहा है। नहीं दोस्त, लेकिन अगर आप इस चीज़ों को खाते रहोगे तो कोरोना का असर आप पर तीव्र गति से हो सकता है, इसीलिए इस चीज़ों को अवॉइड किया जा रहा है। अब बात रही कि वर्तमान हालात क्या हैं। सरकार इसके ऊपर काबू पाने के लिए दोस्त हर संभव प्रयास कर रही है। हर लोगों को चेक किया जा रहा है, हर जगह इसके लिए चेकअप केंद्र लगाए जा रहे हैं, हर अस्पताल को सही किया जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों की नज़र में आ रहा है हर अस्पताल, जो कि इसकी व्यवस्था पहले चरमरा चुकी थी। वहां पर हर बंदे को ये बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोरोना वायरस से पीड़ित हो तो आप जाकर प्लीज़ भाई चेक कर लो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी नहीं जाएगी, आपके साथ साथ कई लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं। आप लोग इस समय अगर मोबाइल फ़ोन पर कहीं कॉलिंग करते होगे तो सबसे पहले आपको कोरोना वायरस से जुड़े कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे होंगे जो कि बेहद ज़रूरी है। दोस्त, अगर किसी को खांसी आता है तो तुरंत ये मत समझो कि उसे कोरोना वायरस हुआ है। दोस्तों, थाईलैंड के एक डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा समय तक कोरोना पीड़ितों के ऊपर शोध किया और यह बात पाया है कि तुम्हें कोरोना हुआ है या नहीं। उसके लिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक, आपको लगता है कि मेरे पास जुकाम है, मेरे शरीर में थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है, मुझे बुखार है, मुझे खांसी आ रही है, ऐसा कुछ, तो आप अपने सांस को 15 से 20 सेकंड तक प्लीज़ रोक के रखो। इतना संपूर्ण व्यक्ति कर सकते, और इस बीच अगर आपको खांसी नहीं आती है, आपको कोई दिक्कत की अनुभूति नहीं होती है, तो आप कोरोना से बिल्कुल मुक्त हो। क्योंकि यार, अगर दैनिक जीवन देखा जाए तो अपने दिनचर्या को नियमित न रखने के कारण भी हमें छोटी बार जुकाम ऐसी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हम कोरोना पीड़ित ही हैं। दूसरी चीज़, आपके पास कोरोना हवा के माध्यम से बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब कि जो मास्क लगा रहे हैं, मास्क तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगा रहे हैं तो उन्हें भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, खुद वैध बनने का प्रयास बिल्कुल ना करें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस समय कि कहीं जाने से अच्छा है कि ऑनलाइन पैसे से देकर मंगा लिया जाए और खुद ही चेकअप कर लिया जाए। आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इसमें बहुत सी कंपनियों में आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पर ऑनलाइन वो इन सभी सामग्रियों को। अगली चीज़, आप जब भी कोई कोरोना का देखो तो उससे दूरी बनाकर रखो। जैसे कि उससे मिलने का तरीका, आप किसी से वर्तमान में हाथ बिल्कुल ना मिलाएं, खासकर अगर आप एक भीड़ भाड़ वाले जगह में रहते हो, हाथ मिलाना बंद कर दो। अगर आप कहीं पब्लिकली जाते हो तो प्रयास करो कि हाथों में कुछ ना कुछ तो हमेशा यूज करो। जैसे कि हाथों के ऊपर एक आता है ग्लव्स, जिसे मतलब गर्मियों में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि सपोज करो आप किसी बस में चढ़ रहे हो, एक बंदा कोरोना वायरस जिसने अपने हाथों पर छींका है, छींक लगाकर उसके हाथों में वही कोरोना कुछ ना कुछ रह जाते हैं। दोस्त, एक चीज वो बता दें, बेहद जरूरी है कि कोरोना की लाइफ केवल मात्र 12 घंटे होती है। 12 घंटों के अंदर अगर वह बंदा जाता है, गेट को पकड़ता है और अंदर चढ़ता है, दूसरा बंदा भी जाता है या वो बंदा जो है वर्तमान में वो निकल भी चुका हो, फिर वो जैसे वो गेट को उसी स्थान में पकड़ कर आगे चढ़ता है तो उस पर जो कोरोना लगे हैं वो आपके हाथों पर आ जाएंगे। और आप जब घर में जाओगे, कुछ चीज़ खाओगे पियोगे और उन हाथ को धुलोगे नहीं, तब आप इस बीमारी में पड़ जाओगे।
तो यही कुछ जानकारियाँ थी दोस्त। अगर आप इसे करोगे तो आप बिल्कुल बच जाओगे, इन चीज़ों को देखोगे हमेशा बचे रहोगे। इन चीज़ों को अगर अवॉइड किया तो आप नहीं भी बच सकते अगर आप तक पहुँच गया तो। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका इससे कुछ नहीं जाता इस चैनल पर। जब तक इस भारत या पूरे विश्व में कोरोना से संबंधित कुछ ना कुछ न्यूज आते रहेंगे, जो कि एक मानव जात के लिए बेहद ज़रूरी है, हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ अवॉइड बताते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ यार, एक इंसानियत के नाते इस वीडियो को हो सके तो प्लीज़ शेयर कर दो यार, क्योंकि हमारा जो कार्य है ना यार, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होना चाहिए कि हम इंसानों के लिए क्या कर सकते हैं, यानी इंसान इंसान के लिए कितना चाह पा रहा है, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ क्या को करना है कि इंसानियत के लिए शेयर कर दो, हमारे मोटिवेशन के लिए कि हमने वीडियो को अच्छी तरह से बता पाया है या अपना जो ज्ञान था उसे आपके साथ शेयर कर पाया है इस YouTube के माध्यम से। तो वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि यही हमारी मेहनत का प्रयास होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ऐसी वीडियोज और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो पर कुछ नई सूचनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।